चैप्टर नंबर 5 अग्रह उपहरणीय अध्याय। उपहरण का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा कर लेना, मतलब कि सर्जरी से पहले जो यंत्र शस्त्र होते हैं उनको इकट्ठा करते थे, ठीक है। एंड इसके बाद तीसरे श्लोक में आ जाइए, त्रिविधम कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्मेति। कर्म तीन प्रकार का होता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, और इनका उपदेश जो था वो प्रत्येक व्याधि के वर्णन करते समय किया जाएगा। मतलब आपको ये जानना है कि कर्म तीन प्रकार का होता है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, तो पूर्वक्रम क्या होता है, स्टरलाइजेशन, जिसको हम शस्त्र कर्म स्थान संशोधन कहते हैं। एंड जो प्रधान कर्म है वो है शस्त्रक्रिया, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, और जो पश्चात कर्म है वो है व्रण चिकित्सा, मतलब कि आफ्टर ट्रीटमेंट। शस्त्र कर्म जो होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एशन, आहारण। तो तीन तीन में डिवाइड करके अगर आप लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एशन, आहारण। आचार्य चरक ने एशन और आहारण को यंत्र कर्म माना है, ठीक है, और उन्होंने शस्त्र कर्म जो है फिर छह ही माने हैं, इन दोनों को एक्सक्लूड करके यंत्र कर्म में इंक्लूड किया है, ठीक है। और उनके छह शस्त्र कर्म कौन से हैं, पाटन, वेधन, च एव छेदनम, लेखनम, प्रांचन और सीवन। पाटन, वेदन, छेदन, लेखन, प्रांचन, सीवन। और आचार्य वाग्भट ने आचार्य सुश्रुत के जो आठ शस्त्र कर्म हैं उसमें पांच और ऐड कर दिए, कौन से ऐड करें, उत्पाटन, कुंठन, मंथन, ग्रहण और दहन। इस तरह से उन्होंने 13 शस्त्र कर्म माने हैं। अष्टांग हृदयकार ने 13 शस्त्र कर्म माने हैं और अष्टांग संग्रहकार ने 12 शस्त्र कर्म माने हैं। और इसके बाद है कि जो ये आठ प्रकार के शस्त्र कर्म हैं, इनमें से यदि वैद्य को कोई भी एक कर्म करना है तो उससे पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। तो क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए कि उसको कई चीज़ें इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जैसे कि यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, श्लाका, श्रृंग, जोंक, लाभू, पिचू, सूत और सूत्र, मतलब पत्ते, पट, मधु, घृत, चर्बी। तो इन सब का उसको जो है ग्रहण, इन सब का जो है उपहरण, यानी कि इन सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए, कटा आदि, लोह निर्मित पात्र, ठीक है। और फिर स्निग्ध, स्थिर चित और बलवान भृत्य होने चाहिए, मतलब कि जो परिचारक है ये उसके गुण है कि वो स्थिर चित होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, ध्यान रखने वाले होने चाहिए, स्नेहपूर्वक आचरण करने वाले होने चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 34 में चतुष्पाद का वर्णन किया है, जहाँ पे उन्होंने परिचारक के जो गुण बताए हैं वो इस तरह से हैं कि वो स्निग्ध होना चाहिए, अजु, गुप्सु और बलवान, एंड वैद्य, वाक्य, कृत, ठीक है, अश्रांत, ये सब गुण बताए हैं। बट आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि स्निग्ध, स्थिरचित और बलवान परिचारक होना चाहिए, और बाकी ये जो श्रृंग, जलोका, लाभू, यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, शलाका, ये सब इकट्ठे कर लेने चाहिए शस्त्र कर्म करने से पहले। फिर उसके बाद श्रेष्ठ, तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र के दिन, ठीक है, दही, चावल, अन्नपान, रतन आदि से अग्नि, ब्राह्मण, वैद्यों का पूजन कर, ठीक है, हल्का भोजन किए हुए रोगी को पूर्व अभिमुख बिठा कर, ठीक है, पूर्व दिशा में उसको बिठाना है, हल्का फुल्का भोजन उसने किया हुआ होना चाहिए, और उसके हस्त, पाद आदि अंगों को नियंत्रित कर पश्चिम दिशा में मुख किया हुआ वैद्य, रोगी का पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में सर्जन का मुख होना चाहिए, ठीक है, उसके मर्म, सिरा, स्नायु, अस्थि, धमनियों का बचाव करते हुए पुए के संपूर्ण निकालने तक, मतलब कि पस पूरी ड्रेन करने तक लोम की दिशा में शस्त्र को चलाना चाहिए, ठीक है। तो रोगी का पूर्व अभिमुख, जो सर्जन है उसका पश्चिम अभिमुख, और लोम की दिशा में जो है शस्त्र चलाकर जो पुए वगैरह भरी हो उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है। और जो पक्व स्थान होते हैं, ठीक है, पाक स्थानों के महान, मतलब कि अति दूर तक पस जिसमें फैली हुई हो, उनमें 2 अंगुल या 3 अंगुल तक लंबा व्रण का घाव करना चाहिए, ठीक है। देखिए, लेप जो होता है उसका अच्छे से शरीर में एब्जॉर्प्शन हो, तो लेप जो है प्रतिलोम दिशा में लगाना चाहिए, और जो शस्त्र है वो लोम की दिशा में चलाना चाहिए, ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। नेक्स्ट है जो श्लोक नंबर 8 है, उसमें व्रण के गुण बताए हैं, तत्र आयतो विशाल सम सुविभक्त निराश्रय, मतलब कि जो आयत हो, मतलब दीर्घ हो, लंबा चौड़ा, विशाल हो, सम मतलब सीधा हो, सुविभक्त मतलब कि तीक्ष्ण शस्त्र से साफ कटा हुआ हो, ठीक है,
जिस कारण त्वचा मांस आदि का अधिक नाश ना हुआ हो तथा विराश्रय पूए कोटर रहित, मतलब कि उसमें किसी भी पस वगैरह का आश्रय ना हो, उसको मतलब व्रण के गुण कहते हैं। ये सारे व्रण के गुण हैं, आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और निराश्रय, ये व्रण के गुण हैं। ये तो मैंने नॉर्मल व्रण के गुण बताए, लेकिन प्रशस्त व्रण के गुण क्या हैं? आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय, ये चार तो सेम है, लेकिन इसमें सम जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। प्राप्त कालश्चपी, मतलब कि उचित समय पर किया गया व्रण जो है वो चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। तो आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय और प्राप्त कालश्चपी व्रण जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब है कि जो प्रशस्त्र शस्त्र कर्म करने वाला वैद्य कौन होता है, तो श्रेष्ठ सर्जन कौन है? शौर्य आशुक्रिया, ठीक है, शौर्य आशुक्रिया, शस्त्र तैक्षण्य, अस्वेद वेपतु, असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते, मतलब कि जो उत्साह से भरा हुआ हो, निर्भय हो, शूर हो और शस्त्र कर्म करने में शीघ्रता से शस्त्र कर्म करता है जो, ठीक है, आशुक्रिया, और उसके शस्त्र की धार जो है उचित तीक्ष्ण होती है और उसको शस्त्र कर्म करने में स्वेद नहीं आता, हाथ नहीं कांपते और मोह नहीं होता, मोहित नहीं होता, ठीक है, बेहोश नहीं होकर गिर जाता, तो ऐसा शस्त्र कर्म करने वाला वैद्य जो है वो प्रशस्त होता है। शौर्य आशुक्रिया शस्त्र तैक्षण्य अस्वेद वेपतु असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। नेक्स्ट है कि यदि एक व्रण से फोड़े की शुद्धि ना हुई हो या पुए आदि का पूर्ण रूप से निर्गमन ना हुआ हो, तो बुद्धिपूर्वक विचार करके बीच में या पूर्व व्रण के समीप अन्य व्रण कर लेना चाहिए। मतलब कि एक व्रण से शुद्धि नहीं हुई हो, पस उसमें रह गई हो, तो दूसरा व्रण कहाँ बनाओगे? तो उसके साथ बना सकते हो या फिर उसके बीच में ही कहीं बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जिस जिस स्थान पर दोष की गति तथा उभार प्रतीत हो, उस स्थान पर शस्त्र से व्रण करने चाहिए जिससे दोष भीतर ना रह सकें, ठीक है। यतो यतो गति विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्याद यथा दोषो न तिष्ठति। जहाँ जहाँ पर दोष की गति, पुए का उभार हो, ठीक है, तो वहाँ वहाँ पर व्रण करना चाहिए, ठीक है, ताकि दोष वहाँ पर इकट्ठे ना हो जाएं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि तिर्यक छेदन यानी कि तिरछा छेदन कहाँ करना चाहिए। तो जो तिर्यक छेदन है, जैसे कि भ्रू पर, गंड स्थल पर, शंख प्रदेश में, ललाट, आँखों के पलक पर, ओष्ठ, दंत वीष्ट, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण, तो कक्षा, कुक्षी, वंक्षण, भ्रू, गंड स्थल मतलब कि कपोल पर, गाल पर, चीक्स पे, शंख प्रदेश में, ललाट में, आँखों के पलक पर तिर्यक छेदन किया जाता है। और याद रखिए हमेशा, हाथ और पैर में चंद्रमंडल के समान गोल छेदन करें, गुदा और मेड़ में अर्धचंद्र आकृति का छेदन करें, ठीक है। हाथों पैरों पर चंद्रमा के समान गोल छेदन और गुदा और मेड़ पर जो है अर्धचंद्र आकृति का छेदन किया जाता है। एंड ऐसी कौन सी सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट को NPO रखा जाता है, नील पर ओरल, मतलब कि टोटली फास्टिंग पर रखा जाता है? मूड़ गर्भ, उदर रोग, अर्श, पथरी, बगंदर और मुखरोग, ये क्वेश्चन आता है। तदंतर व्रण से शस्त्र को निकाल कर, ठीक है, मतलब कि व्रण बनाया, पुए जो है पस ड्रेन करी, तो उसके बाद शस्त्र को निकाल दिया, फिर रोगी को शीतल से आश्वासन या शांति देकर चारों ओर अंगुलियों द्वारा व्रण को धीरे धीरे दबा कर, ठीक है, कि उसमें पस रह तो नहीं गई है, कषाय से व्रण का प्रक्षालन करना चाहिए, ठीक है। हमने चीरा लगाया, व्रण बनाया, पस ड्रेन कर दी, रोगी को आश्वासन दिया और फिर जो व्रण बना हुआ है, जो सद्य व्रण है, ठीक है, उसको दबा दबा कर अच्छे से पस जो बची कुची निकाल कर उसका वॉश कर दिया, उसको कषाय से प्रक्षालन कर दिया। फिर पश्चात हमने क्या करना है, अब वॉश किया हुआ जो व्रण है तो उसमें वस्त्र से हमने व्रण के भीतर के शेष कषाय जल को हमने अच्छे से पोंछ लेना है। फिर उसमें तिल का कल्क, शहद, घृत, ठीक है, ये इससे लिप्त कर देना है, क्योंकि ये तिल
शहद और घृत ये हर जगह आएंगे, तो इसको तीन ये जो इंग्रेडिएंट्स है व्रण के लिए, वूंड हीलिंग के लिए आप याद रख लीजिए, ठीक है। तिल के कल्क में शहद और घृत मिलाकर उसको लिप्त कर देना है, इतना लिप्त कर देना है कि ना अति स्निग्ध हो ना अति रूक्ष हो, ठीक है। एंड फिर इसके बाद कल्क से ढककर उस पर मोटी कवलिका गॉस पैड रखकर फिर वस्त्रपट से बांध देना है, ठीक है। और उसके बाद पश्चात में वेदनाहर और जीवाणु से रक्षा करने के लिए एंटीबायोटिक नाशक द्रव्य की धूनी से उस स्थान को धूपित कर देना है, स्टरलाइजेशन कर देनी है, ठीक है। और रक्षागण मंत्रों से व्रण की रक्षा करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, व्रण चिकित्सा क्रम इसमें जो दिया हुआ है, हमने सबसे पहले जो है व्रण का शोधन किया, फिर उसके बाद उसमें वर्ती धारण करवाई, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट बताया नहीं कि जब हमने शोधन किया उसके बाद फिर लेप किया, लेप करने के बाद फिर जो अजश्रृंगी आदि संशोधन औषधियुक्त वर्ती को उसमें रख दिया, फिर उसके बाद हमने कवलिका रखी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने वस्त्रपट का धारण किया, फिर धूपन किया, फिर मंत्र उच्चारण किया, फिर उसके बाद क्या है कि गूगल अगर राल बचा, ठीक है, इन सबको मिला के धूपन दे सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और बाकी इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आचरिक उपदेश देने के बाद, मतलब कि मंत्र वगैरह उच्चारण करने के बाद तीसरे दिन व्रण बंधन की पट्टी खोलकर, ठीक है, पूर्व अनुसार ही कषाय से धोकर फिर पट बंद से बांधना चाहिए, सिंपल मतलब वैसे ही ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो तीसरे दिन हमने ड्रेसिंग करनी है, शीघ्रता की आकांक्षा रखकर दूसरे ही दिन पट्टी को नहीं खोलना चाहिए। तो एवरी थर्ड डे जो है पट्टी को खोलने के लिए बताया है। दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलने से क्या होता है, उसमें गांठे पड़कर देरी से उसका रोहन यानी कि वूंड हीलिंग देरी से होती है और वेदनाएँ अधिक तीव्र हो जाती हैं, ठीक है। और जब तक पूरा मतलब कि उस स्थान पर अरोग्यता ना दिखाई दे, वो व्रण ठीक ना हो जाए, तब तक अजीर्ण, व्याम, स्त्री संभोग, हर्ष, क्रोध, भय, इनका वर्जन करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। और ये जो प्रिकॉशंस हैं ये अष्टांग संग्रहकार ने इसका टाइम पीरियड बताया है, तीन या सात महीने, ठीक है, सिक्स टू सेवन मंथ्स, 6 से 7 मास तक इसका प्रिकॉशंस जो है बताया है। जो बुद्धिमान वैद्य होता है वो हेमंत ऋतु में, शिशिर में और वसंत ऋतु में तीसरे दिन पट खोले, लेकिन शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोल देवे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा इसमें। और व्रण में पाक द्वारा या तीव्र रक्तस्राव द्वारा हानि या प्राण भय की संभावना होने पर क्या करना चाहिए, पट मोक्षण से उक्त नियमों पर ध्यान न देते हुए जलते हुए मकान के प्रतिकार की तरह जिस किसी उपाय से लाभ पहुंचे वैसी प्रतिक्रिया करें, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा पाक हो रहा हो ड्रेसिंग करने के बावजूद भी, तो 3 दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो उस समय जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दे देना चाहिए रोगी को, ठीक है। एंड किसी शास्त्र की, जो भी शस्त्र है, किसी शस्त्र की चोट से या शस्त्र क्रिया के कारण व्रण में उत्पन्न हुई तीव्र वेदना जो कि शरीर को दुखी और संतप्त करती है, ठीक है, तो तीव्र वेदना जो होती है शस्त्र की चोट से, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें मुलेठी के चूर्ण से युक्त किंचित उष्ण घृत के द्वारा सेचन करने से शांति हो जाती है वहाँ की जो वेदना होती है। तो मुलेठी के चूर्ण में उष्ण घृत मिलाकर वहाँ पर लगा देना चाहिए। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6 ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का आचार्य चरक ने कहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, चैप्टर नंबर 6 सूत्र स्थान में, ठीक है, तस्य शीति अध्याय में। और अष्टांग हृदयकार ने सूत्र 3 में ऋतुचर्या अध्याय का वर्णन किया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आचार्य सुश्रुत ने भगवान किसको माना है, वायु को, काल को, जठराग्नि को और आदित्य को, ठीक है, मतलब सूर्य को। उन्होंने काल की व्याख्या जो है कुछ इस प्रकार से की है कि ये जो काल है ये किसी भी से भी उत्पन्न नहीं है, ठीक है, और ये आदि, मध्य और अंत से रहित है। मधुर आदि जो 6 रस होते हैं, इनकी विकृति, संपत्ति और प्राणियों का जीवन और मरण इस काल के अधीन होता है। काल अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता, ठीक है, जो अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता उसे काल कहते हैं। और प्राणियों का सुख दुख के साथ संयोग और प्राणियों का संहार, ठीक है, उस काल के अधीन है।
तो ये काल के बारे में कहा है उन्होंने, एंड उस काल का भगवान सूर्य अपनी गति शेष से निमेश, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, ये काल के जो विभाग है ना ये बताए हैं। तो हमने अभी काल के बारे में पढ़ा, भगवान स्वरूप कहा गया है जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है और सूक्ष्म से सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता, और इसमें मधुरादि रस की उत्पत्ति और इसकी जो संपत्ति, प्राणियों का जीवन मरण सब काल के अधीन है, ये पढ़ा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इसमें आपको पढ़ना है कि काल के 11 विभाग करे गए हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से स्टार्ट किया गया है, निमेश, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग, इस तरह विभाग करते हैं। तो स्टार्टिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, फिर पक्ष, मास, ऋतु, ठीक है, और फिर अयन, संवत्सर, युग, ये आपको याद रहेगा। पक्ष मतलब 15 दिन, मास मतलब 1 मंथ, ऋतु मतलब 2 मंथ्स, फिर अयन मतलब कि 6 महीने, फिर संवत्सर मतलब 1 ईयर, फिर युग आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है काल के 11 विभाग हैं, अष्टांग संग्रहकार ने काल के 12 विभाग माने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि 15 अक्ष निमेश जो है वो एक काष्ठा होता है, और 30 काष्ठा एक कला के बराबर होती है, और 20+1/10 कला जो है एक मुहूर्त के बराबर होती है, एक मुहूर्त 48 मिनट्स, ठीक है, और एक काष्ठा 1/3 कला, 1/10 कला 3 काष्ठा हो गई, ठीक है। तो एक मुहूर्त कितना हुआ, 20 कला प्लस 3 काष्ठा, ठीक है, ये मैंने नोट भी किया हुआ है, या तो देख लीजिए, ठीक है, और नोट भी कर लीजिए मेरे हिसाब से। तो ये सारे जो है ना, इसमें जैसे 15 अक्षी निमेश एक काष्ठा है, तो एक लघु अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसको अक्षी निमेश कहते हैं, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, 15 अक्षी निमेश एक काष्ठा, 30 काष्ठा एक कला, और 20+1/10 कला एक मुहूर्त, और एक मुहूर्त 48 मिनट्स, 1/3 कला एक काष्ठा, 1/10 कला 3 काष्ठा, और एक मुहूर्त 20 कला प्लस 3 काष्ठा। दो दो मास की एक ऋतु होती है, और 12 मास में 6 ऋतुएं होती हैं, और इनके नाम हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। तो इतना है, और इसमें जैसे कि तप और तपस्या जो है मासों में शिशिर ऋतु, और चैत्र और वैशाख मधु ये जो वसंत ऋतु के लिए कहा गया है, ठीक है, शुचि शुक्र ग्रीष्म ऋतु के लिए, नभ नभस्य वर्षा ऋतु के लिए, अश्विन और कार्तिक शरद ऋतु के लिए, सह सहस्य हेमंत ऋतु के लिए कहा गया है। दक्षिण और उत्तर ये दो आयन हैं, तो दक्षिण आयन में वर्षा आदि ऋतुएँ मतलब कि वर्षा, ग्रीष्म और शरद, ठीक है, वर्षा, ग्रीष्म, शरद तीन ऋतुएँ आती हैं, और इसमें भगवान चंद्रमा जो होते हैं वो बलशाली होते हैं, अमल लवण मधुर रस बलवान होता है, सर्व प्राणियों का बल इस ऋतु में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, और जो उत्तरायन है उसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये ऋतुएं आती हैं। सॉरी, जो मैंने आपको दक्षिणायन में बताया है वो है वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है, वर्षा से स्टार्ट होंगे, वर्षा, शरद, हेमंत ये दक्षिणायन में आती हैं, उत्तरायन में है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, जब सूर्य देवता जो है ज़्यादा बलशाली होते हैं, तिक्त कषाय कटुरस बलवान होता है, और प्राणियों का बल उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है। तो वर्षा से स्टार्ट करेंगे वो दक्षिणायन की ऋतुएँ हैं, और जो आप शिशिर से स्टार्ट करेंगे वो उत्तरायण की ऋतुएं हैं, ठीक है। एंड दक्षिणायन और उत्तरायण ये दोनों को मिलाकर एक वर्ष बनता है, और 5 वर्ष मिलकर एक युग कहलाते हैं। तो निमेश से लेकर युग तक चक्र के समान भ्रमणशील वह काल किसी के मत से कालचक्र कहलाता है, ठीक है। तो किसी के मत से, किसी ने इसको कालचक्र बोला है, जो निमेश से युग तक माना गया है। तो अगर हम वर्षा ऋतु की तरफ देखें, तो वर्षा ऋतु में औषधियां जो है तरुण यानी कि नूतन होती हैं, अल्प वीर्य वाली होती हैं, और पृथ्वी पर जल बरसने के कारण जो है कीचड़ वगैरह होता है, ठीक है, कीचड़ से कलुषित होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जैसे कि चारों तरफ क्लेदता होती है, क्लिन्नता होती है,
तो ऐसे में जो क्लीन देह के अंदर भी जो क्लीनता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, देह के अंदर क्लीनता होने के कारण, और शीत से वायु जो है थोड़ा सा प्रकोपित होने के कारण पाचक अग्नि को विकृत कर देता है। और विकृत पाचक अग्नि क्या करती है कि कुछ भी औषधि या जल सेवन करता है प्राणी तो उसको उसके अंदर विधा उत्पन्न करती है और पित्त का संचय होने लगता है, और ऐसे में पैतिक व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। और यही औषधियाँ हेमंत ऋतु के समय, ठीक है, ये परिपक्व वीर्य वाली होती हैं, बलवान होती हैं, और ऐसे में जो जल होता है वो स्निग्ध और अत्यंत भारी होता है। हेमंत ऋतु में क्या होता है कि जो कफ होता है वो संचित होता है, जो कि वसंत ऋतु में सूर्य के किरणों से पिघल कर, ठीक है, जो हेमंत ऋतु में बर्फबारी हो रही होती है, सूर्य मंद होता है, तो उस समय जो संचित कफ होता है वो वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघल कर स्तब्ध हुई देह वाले प्राणियों में श्लैष्मिक रोग को उत्पन्न करता है। और ये जो औषधियाँ होती हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सार रहित रूक्ष और अत्यंत हल्की हो जाती हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें क्या होता है कि वायु का संचय होता है, और वायु का संचय प्रावरण ऋतु में भूमि के जल अधिक गीली होने पर क्लीन देह वाले प्राणियों में शीतवात और वर्षा के कारण वातिक विकारों को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो वायु संचित होता है तो ग्रीष्म ऋतु के बाद जो प्रावरण ऋतु होती है जो वर्षा से पहले आती है उसमें प्राणियों के अंदर वो संचित वायु जो है वात विकार को उत्पन्न करता है। इस तरह दोषों के संचय और प्रकोप हेतु का वर्णन किया है। तो शरद में, वसंत में और प्रावरट में कुपित हुए जो दोष होते हैं, जैसे शरद में पित्त प्रकोपित होता है, वसंत में कफ प्रकोपित होता है और प्रावरट में वात प्रकोपित होता है, तो प्रकोपित हुए दोष का इन्हीं ऋतुओं में निर्हरण किया जाता है जिस ऋतु में प्रकोपित होते हैं। पित्तजन्य रोगों का शमन हेमंत में और कफजन्य रोगों का शमन ग्रीष्म में और वातजन्य रोगों का शमन शरद में स्वभाव से ही हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक हम औषध के वीर्य की बात करें तो ग्रीष्म में जो औषध का वीर्य होता है वो निसार होता है, रूक्ष होता है, लघु होता है, वर्षा में तरुण और अल्प वीर्य, शरद में मध्यम वीर्य होता है, हेमंत में परिणत वीर्य या श्रेष्ठ वीर्य वाली औषध होती हैं। और अगर दिन की बात करी जाए तो दिन के पूर्व भाग में वसंत ऋतु के लक्षण होते हैं, मध्यम भाग में ग्रीष्म ऋतु के लक्षण होते हैं, अपराह्न में प्रावरट के, संध्या के समय वर्षा के, और आधी रात में शरद और सूर्य उदय के पूर्व हेमंत ऋतु के लक्षण होते हैं। इस तरह दिन और रात भी दोषों के संचय प्रकोप और प्रशमनों द्वारा वर्ष की तरह शीत उष्ण और वर्षा के लक्षणों से युक्त होता है। मतलब कि अगर दिन को डिवाइड करा जाए तो उसमें भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऋतुओं के लक्षण मिलते हैं, अलग अलग दोषों के संचय प्रकोप के लक्षण मिलते हैं। जैसे कि दिन के पूर्व भाग में वसंत ऋतु के और ब्रह्म मुहूर्त में हेमंत ऋतु के, मध्यम भाग में ग्रीष्म ऋतु के, अपराह्न में प्रावरट के, संध्या में वर्षा के, ठीक है, आधी रात में शरद के लक्षण मिलते हैं। ऋतु व्यापक क्यों होते हैं? ऋतुओं के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्यों होती हैं? वो अधर्म से होती हैं, उनका मूल है अधर्म, ठीक है। और अगर हम ये ऋतु व्यापक को देखें कि ऋतु व्यापक होते हैं, ठीक है, जैसे कि जब वर्षा नहीं पड़नी तो वर्षा पड़ गई, ठीक है, तो इस तरह से जब जब ठंड होती है तब ठंड की जगह ठंड कम और गर्मी ज़्यादा, तो ये ऋतु व्यापक जो है अधर्म के कारण होता है। और इसी के कारण जो औषधि है और जल है ये कुपित हो जाते हैं, ठीक है। औषधि जैसे अल्प वीर्य वाली हो जाती है तो इनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, तो इसी के कारण बहुत सारे रोगों का प्रादुर्भाव होता है जब ये जो ऐसी औषधियाँ और जल का जब सेवन करते हैं, तो इसी को हम जनपद उध्वंस कहते हैं। और जनपद उध्वंस का अगर मूल देखा जाए वो है अधर्म, और जनपद उध्वंस की योनि देखी जाए वो है प्रज्ञापराध, ठीक है। तो ये ठीक अधर्म भी कह सकते हैं जनपद उध्वंस का मूल, ठीक है, योनि मैंने आपको बता दी प्रज्ञापराध। और जनपद अध्वंस के मूल को हम असत्कृत कर्म भी कहते हैं, जो मतलब कि जो कर्म जो हैं असत्कर्म होते हैं, जो अधर्म कर्म एक ही बात है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि वात का प्रकोप जो है वर्षा ऋतु में होता है, लेकिन सुश्रुत और शाणंदर जी क्या कहते हैं, वात का प्रकोप प्रावरट ऋतु में होता है, पित्त का प्रकोप शरद में और कफ का प्रकोप वसंत में। कफ का संचय जो है, जहाँ हमने संचय हेमंत में माना है वहाँ पर वाग्भट और काश्यप जी कहते हैं कफ का संचय जो है शिशिर ऋतु में होता है।
हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की ठंडी वायु चलती है, ठीक है, और वृक्ष जो हेमंत ऋतु में पुष्पित होते हैं जैसे कि लोध, प्रियंगु, ठीक है, पुन्नाग जिसको हम नागकेश्वर कहते हैं, ठीक है, ये सब वृक्ष जो है पुष्पित होते हैं हेमंत ऋतु में। इसको तौषार मतलब कि इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है जिसमें मतलब तौषार का मतलब होता है बर्फ़, ठीक है, जब स्नोफॉल होती है। वसंत ऋतु में अगर हम देखें तो ये दक्षिणी वायु इस ऋतु में चलती है, इसमें फूल फल सब आते हैं, ठीक है, और जैसे कि कोकिला भ्रामरों के समूह के गीत से मनोहर होती है। दक्षिण दिशा की वायु से व्याप्त और उनके नए नए भूरे लाल कोमल पल्लवों से सुशोभित होती है, ठीक है। तो ये दक्षिण दिशा की वायु जो है ये वसंत ऋतु में बताई है, और जो उत्तर दिशा की वायु है हेमंत ऋतु में बताई है। तो मेन आपने ये याद रखना है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की जहाँ तक बात है तो इसमें नैऋत्य दिशा का कष्टदायक पवन चलता है, जो लू चलती है, ठीक है, नैऋत्य दिशा की लू चलती है, और इसमें अल्प प्रवाह के कारण नदियाँ पतली हो जाती हैं, मतलब कम जल वाली हो जाती हैं, तो चारों ओर सूखा सा पड़ जाता है। और प्रावृत ऋतु में पश्चिम दिशा की वायु चलती है, ठीक है, जबकि वर्षा ऋतु में नदियों के जल से पूर्ण अपने प्रबल प्रवाह से तीर के ऊपर से स्थित पेड़ों को उखाड़ देती है, मतलब कि नदियों का जल पूरा भरा हुआ होता है वर्षा ऋतु में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है ऑब्वियसली, और नील कमलों से ये ऋतु शोभेमान होती है, और ये सब बताया हुआ है इसमें। एंड नेक्स्ट इसकी शरद ऋतु में सूर्य पिंगल वर्ण का तथा उष्ण रहता है, और हंसों के इधर उधर चलने से मतलब कि सरोवर शोभेमान रहता है, और आचार्य चरक ने हंसोदक का वर्णन भी शरद ऋतु में किया हुआ है कि ऐसा जल जो अगस्त्य तारे से निर्विश हो गया हो। तो एक श्लोक है, श्लोक नंबर 40, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है कि हरेद वसंते श्लेषमाणम पित्तम शरदि निर्हंते वर्षासु शमेद वायु प्राग विकार समुच्छयात। मतलब कि अगर आप हिंदी में समझें तो हरेद वसंते मतलब कि श्लेष्म जो रोग होते हैं, कफज रोग होते हैं, वो वसंत ऋतु में इनका निर्हरण करना चाहिए वमन आदि विधि से। और पित्तम शरदि निर्हरते, जो पित्तज रोग है उनका निर्हरण शरद ऋतु में किया जाता है। और वर्षा में जो स्नेपान वस्ति आदि उपायों से वात का संशमन किया जाता है। वर्षासु शमेत वायु प्राग विकार समुच्छयात, ठीक है, तो वर्षा में वायु का ये जो है शमन किया जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन आए कि वायु का शमन कौन सी ऋतु में किया जाता है, और उस ऑप्शन में आपको वर्षा और प्रावरण दोनों ऑप्शन आ जाएँ, तो आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी कि प्रावरण ऋतु में वायु का शमन किया जाता है, ठीक है। और वहीं पर आचार्य चरक ने अगर आप विमर्श में देखें तो एक श्लोक दिया हुआ है, हेमंतिकम दोषचयम वसंते प्रवाहनम ग्रैष्मिक अभ्रकाले घनाते वार्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋतुजान न जातु, ठीक है। मतलब वही है, हेमंत में जो दोष का संचय होता है उसका जो प्रवाहन निर्हरण जो होता है वसंत ऋतु में किया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो वायु का संचय होता है उसका निर्हरण अभ्रकाल में मतलब कि वर्षा ऋतु में किया जाता है, और घनाते मतलब कि जब घन का अंत हो जाता है, ठीक है, जब बादलों का अंत हो जाता है, मतलब शरद ऋतु में जो दोषों का संचय यानी कि पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है उसका घनाते में शरद में निर्हरण किया जाता है, ठीक है। हेमंतिकम दोषचयम वसंते प्रवायन ग्रैष्मिकम अभ्रकाले घनाते वर्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋतुजा ना जातु। अगर ऐसा करें तो ऋतु से के कारण जो ऋतु व्यापक के कारण उत्पन्न रोग होते हैं तो वो नहीं होते हैं। दलहन जी ने ऋतु व्यापक कितने प्रकार के बताए हैं, 18 प्रकार के, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7।